नमस्कार दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट जॉब पे आपका फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ग्राम सचिवालय भर्ती 2020 का नोटिफिकेशन फिर से आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप जनवरी से इस भर्ती के नोटिफिकेशन का वापस आउट होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब यह नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोस्तों, इसका पहले जनवरी में नोटिफिकेशन आउट हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसको एक बार फिर से स्थगित कर दिया और वापिस इसको नोटिफिकेशन निकाला गया है। पंचायत राज मंत्रालय के अंदर ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, कौन कौन से इसके अंदर पोस्टें हैं और उनके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, इसमें हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों, इसमें अलग अलग पोस्ट वाले अलग अलग नोटिफिकेशन डाल रखा है। फिलहाल हम सिंपली इसको एनएम वाला ऑफिस नोटिफिकेशन खोलते हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि रूरल एरियाज के लिए वैकेंसी निकाली, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वैकेंसीज हैं। इसमें पहली पोस्ट का नाम है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पंचायत सेक्रेटरी सचिव की पोस्ट है। उससे अगली पोस्ट है इसके अंदर विलेज रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट है। उसके तीन नंबर पोस्ट है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एएनएम की, इसके अंदर वैकेंसी है। अगली पोस्ट है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री असिस्टेंट की, इसके अंदर पोस्ट है। इसके बाद अगली वैकेंसी आती है पाँच नंबर पर विलेज फिशरस असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके बाद अगली वैकेंसी हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट की वैकेंसी है। दोस्तों, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की इसके अंदर वैकेंसी है। एग्रीकल्चर असिस्टेंट, इसके बाद में विलेज सेरिकल्चर असिस्टेंट की वैकेंसी इसके अंदर है। अगली पोस्ट का नाम है पोस्ट ऑफ द महिला पुलिस एंड वुमेन एंड चाइल्ड असिस्टेंट वुमेन वार्ड एंड वीकर सेक्शन प्रोटेक्शन सेक्रेटरी फीमेल, केवल महिलाएं इसके अंदर आवेदन कर सकती हैं इस पोस्ट के अंदर। अगली पोस्ट का नाम है दोस्तों इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट नंबर की पोस्ट है पंचायत सेक्रेटरी ग्रेड सिक्स की पोस्ट है। ऊपर वाली पोस्ट ग्रेड फाइव की पोस्ट थी। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है विलेज सर्वेयर ग्रेड थर्ड की और लास्ट पोस्ट इसमें है दोस्तों वेलफेयर ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट की। अब बात कर लेते हैं अर्बन यानी शहरी क्षेत्र के अंदर कौन सी वैकेंसी निकली है। दोस्तों, शहरी क्षेत्र के अंदर फर्स्ट नंबर वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी की। सेकेंड नंबर पे पोस्ट आती है इसके अंदर वार्ड एनिमेटिव सेक्रेटरी ग्रेड थर्ड की वैकेंसी। थर्ड नंबर की वैकेंसी इसके अंदर दोस्तों वार्ड सेंसन एंड इन्वायरमेंट सेक्रेटरी ग्रेड थर्ड की पोस्ट है। नेक्स्ट नंबर की वैकेंसी है वार्ड एजुकेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग सेक्रेटरी। नेक्स्ट पोस्ट है इसके अंदर वार्ड प्लानिंग एंड रेगुलेशन सेक्रेटरी ग्रेड सेकेंड की पोस्ट है। अगली वैकेंसी है वार्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्रेटरी ग्रेड सेकेंडरी। दोस्तों, इसे आप स्टेप बाय स्टेप जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वो पोस्ट आप देख सकते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के अलग अलग वैकेंसी निकाले गए हैं। सभी वैकेंसी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, इसको आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर लीजिए gramsachivalayam.ap.gov.in। दोस्तों, इसके ऊपर आप सभी वैकेंसी की डिटेल दी गई है। वहाँ पे हर वैकेंसी का अलग अलग नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। उस नोटिफिकेशन के अंदर उस वैकेंसी की क्वालिफिकेशन, उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं और कौन कौन सी जिलों में कितनी वैकेंसीज हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी डिटेल इसमें दी गई है। सभी के अलग अलग नोटिफिकेशन दिए गए हैं। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप डाउनलोड करके अपना फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आपकी बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।